हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड सारी वीडियोज मिलती रहती है। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो देखनी है तो राहुल सर शॉर्ट्स के नाम से मेरा एक चैनल है, उस पर भी आप छोटी छोटी टिप्स देख सकते हैं। और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गाड़ी के बारे में और ज्यादा आपको नॉलेज चाहिए, जैसे कि नई गाड़ी परचेज करना है, कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए, किस गाड़ी का क्या माइलेज है, क्या मेंटेनेंस है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक, वहां पे भी जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कार को यू टर्न करते वक्त हमें किन किन बातों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कार को यू टर्न करते वक्त उनको ये आइडिया नहीं होता है कि उनको कैसे स्टीयरिंग को घुमाना है, कैसे एक्सेलेटर ब्रेक को यूज करना है, क्या यू टर्न के टाइम हमें एक्सेलेटर की जरूरत पड़ती है, क्या कार को हमें सेकंड गियर में यू टर्न करना चाहिए या कार को हमें फर्स्ट गियर में यू टर्न करना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यू टर्न बहुत मेन ड्राइविंग का एक पार्ट होता है कि यू टर्न करते वक्त स्टीयरिंग को कितने डिग्री से घुमाना है, कितना स्टीयरिंग आगे गाड़ी का हिस्सा निकलने के बाद वापस उसको सीधा करना है। तो ये जो गाड़ी के यू टर्न का जो कंसेप्ट है पूरा, तो मैं आज पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं कार को स्टार्ट कर लेता हूं। स्टार्ट करने के लिए मैंने अपना न्यूट्रल चेक कर लिया और पूरा क्लच दबा के इंजन को ऑन कर लिया। कार को जब भी ऑन करते तो राइट वाला पैर हमारा ब्रेक पे होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। अभी मैंने क्लच दबा के इंजन, और ये पैर आप देख रहे हैं, ये पैर, ये हमेशा ये पॉइंट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पैर रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रख ले, ये सब नहीं। एक प्रॉपर ये टो है, देख रहे हैं, ये टो है और ये रिलीज करना। एक बार ब्रेक दबा के चेक कर लिया, एक्सेलेटर पे पैर ब्रेक पे, ये चीज हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली। वापस क्लच दबा के देख लिया, पैर मेरा कंफर्टेबल है। अब मैंने गियर न्यूट्रल करके चेक कर लिया। अब सबसे पहले तो मुझे स्टीयरिंग समझना है कि स्टीयरिंग का रोल क्या। अभी ये स्टीयरिंग 3 और 9 पे, आप मेरे हाथ देख रहे हैं, 3 और 9 जो क्लॉक टाइम होता है, ये आपका 3 और ये 9, ये 12 और ये 6, इसमें 4 पैटर्न है, ठीक है। अब स्टीयरिंग को हमें पहले समझना है कि स्टीयरिंग को किधर घुमाने से गाड़ी का हिस्सा किधर जाएगा। कल ऐसे एक मेरे साथ मेरे स्टूडेंट थे, मैंने उनको बोला कि राइट कार को बैक करना और राइट स्टीयरिंग घुमाओ, तो वो कहने लगे नहीं, राइट कार को बैक करना तो लेफ्ट स्टीयरिंग घुमाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले नहीं, लेफ्ट घुमाएंगे तभी तो राइट जाएगी। तो वो दोस्तों होता है ट्रैक्टर वगैरह में कि ट्रैक्टर का पहिया लेफ्ट काटोगे तो ट्रॉली राइट जाएगी, पर कार में ऐसा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 और 9 स्टीयरिंग को समझना कैसे है। मैंने क्या करना है, ये एक राउंड पूरा मैंने राइट घुमा दिया, ये देख रहे 3 और 9 एक राउंड। अब टायर मेरा जो है वो ऐसे था तो वो ऐसे हो गया इधर की तरफ। अब मैंने फुल और आधा राउंड घुमा दिया, ये देख रहे हैं, अब ये लॉक हो गया, अब इससे ज्यादा ये नहीं घूमेगा। 90 डिग्री से स्टीयरिंग पूरा राइट घूम चुका है। अब सीधा करने के लिए आधा राउंड और ये पूरा एक राउंड, ये सीधा हो गया। अब ये पूरा स्टीयरिंग ऐसे हो गया जैसे पहले था, ये एकदम पहिया एकदम सीधा हो गया स्ट्रेट। फिर मुझे लेफ्ट अगर घुमाना तो ये एक राउंड और ये आधा राउंड, ये पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट घूम गया। सीधा करने के लिए आधा राउंड और ये एक राउंड। स्टीयरिंग को हमेशा इस पॉइंट से यूज करना होता है, गदेली से, ऐसे टाइट नहीं करना। कुछ लोग ऐसे बाइक और स्कूटी की तरह से स्टीयरिंग हार्ड करते हैं, इसको बहुत लाइट पकड़ना है, ये ऐसे यूज करना, देख रहे हैं आप, ये इसी से पूरा स्टीयरिंग आपको घुमाना है, इसको ग्रिप नहीं बनाना। जितना प्यार से आप इसको ये पॉइंट रखेंगे तो ये देखो कैसे स्टीयरिंग घूम रहा है, ये पूरा राइट घुमा दिया, अब ये पूरा ये स्टीयरिंग सीधा हो गया। और एक चीज और, अगर स्टीयरिंग किसी भी कंडीशन है, जैसे मान लो स्टीयरिंग ऐसे है, अब पता ही नहीं है कि पहिया किधर घुमा, तो सिंपल है, जैसे आप इंजन ऑन करोगे, इंजन ऑन करते ही पावर स्टीयरिंग काम करने लगता है, आप पूरा स्टीयरिंग एक साइड को घुमा दो। अब मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया, अब पहले आधा राउंड सीधा किया, फिर एक राउंड सीधा कर दिया, स्टीयरिंग स्ट्रेट हो गया। ये पहिए का कार के अंदर बैठ के टायरों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता है कि मेरी गाड़ी का टायर किस साइड में है, लेफ्ट घुमा है या राइट घुमा है, सिंपल है। आप स्टीयरिंग किसी भी डायरेक्शन में है, अगर मान लो ये स्टीयरिंग ऐसे है, ठीक, अब मुझे ये देखना है कि मेरा पहिया कैसे है। मैंने क्या करा, इसको पूरा राइट घुमा दिया, घुमा दिया, अब ये आधा राउंड और ये एक राउंड, स्टीयरिंग सीधा हो गया। किसी भी साइड आप घुमा के, इसका सिंपल तरीका है स्टीयरिंग को जानने का कि टायरों का कंडीशन क्या। अब बात करते हैं यू टर्न के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जहां से हम यू टर्न कर रहे हैं, जिस पॉइंट से यू टर्न कर रहे हैं, वो एरिया कितना है हमारे, राइट में कितना स्पेस है, लेफ्ट में, ऐसा तो नहीं बिजी ट्रैफिक है या भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही। तो सबसे पहले तो मुझे यू टर्न के लिए राइट का सिग्नल देना है, दे दिया मैंने। अब गाड़ी को डालना है फर्स्ट गियर में और हैंडब्रेक को कर देना अनलॉक,
हैंडब्रेक अनलॉक कर दिया मैंने, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, अब मुझे क्या करना, यहाँ पे स्पेस काफी, मैंने पहले पूरा स्टीयरिंग घुमा लिया 90 डिग्री से, ठीक। अब मैंने राइट वाले पैर को ब्रेक पे रख रखा है क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेटर की नीड नहीं है, और मैंने लॉन्ग हॉर्न पुश कर दिया और धीरे धीरे मैंने गाड़ी को, अब मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे ही है और हाफ क्लच पे मैं गाड़ी को यू टर्न कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है। अब ये मेरी गाड़ी पूरी घूम चुकी, अब मैंने क्या करा, आधी गाड़ी घूमने, अब स्टीयरिंग को वापस आधा राउंड और ये पूरा राउंड, ये गाड़ी मेरी हो गई सीधी। अब देख रहे पूरा स्टीयरिंग मेरा सीधा हो गया, मैंने यहाँ पे कोई एक्सीलेटर का यूज नहीं किया है क्योंकि सबसे ताकतवर गियर जो होता है वो होता है फर्स्ट गियर दोस्तों। फर्स्ट गियर और बैक गियर में आप बिना एक्सीलेटर गाड़ी को चला सकते हैं। अभी मैं आपको फिर बताऊंगा कि अब जैसे कि गाड़ी मुझे रोकनी है तो मैंने क्या करा, पूरा क्लच ये और धीरे से ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। यू टर्न करने के टाइम आपको पहले लेफ्ट और राइट में देखना जरूरी है ना कि आपके लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है, पता लगा अचानक आपने राइट घुमा दिया बिना सिग्नल दिए बिना तो पीछे वाला आके भिड़ा देगा गाड़ी आपकी उसमें, तो वो समझना बहुत जरूरी है आपको। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि भैया आपके राइट में और लेफ्ट में कौन आ रहा है। मैंने राइट का सिग्नल दिया और राइट वाले मिरर को अपने चेक कर लिया, मैं देख रहा हूँ राइट वाले मिरर पे मेरे बगल से स्कूटी आ रही व्हाइट और रेड, एक ई रिक्शा वाला आ रहा है और एक रिक्शा और भी आ रहा है, कार आ रही व्हाइट कलर की वरना। अब मैंने राइट का फिर सिग्नल दे दिया, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे ही है, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे ही है और मैंने फिर धीरे से क्लच को रिलीज किया और हल्का ब्रेक छोड़ा और गाड़ी मेरी धीरे 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 बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अब मेरे सामने से कार आ रही है जो कि i10, अब बट मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी को हॉर्न देते हुए धीरे धीरे मैं निकाल लूंगा। अब जस्ट मेरे बगल में ई रिक्शा खड़ा हुआ था लेकिन फिर भी गाड़ी मेरी निकल गई, वापस आधा राउंड और ये पूरा डाउन, स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब मैंने क्लच को पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है, राइट वाला पैर मेरा एक्सीलेटर पे नहीं है क्योंकि एक्सीलेटर मुझे यहां जरूरत ही नहीं है एक्सीलेटर की, बहुत आसानी से आप अपनी कार को यू टर्न कर सकते हैं। तो जो यू टर्न करने का मेन पॉइंट होता है वो होता है स्टीयरिंग का रोल, हमारी गाड़ी का जो जजमेंट है लेफ्ट और राइट का और बोनट का वो समझना बहुत जरूरी है। फिर मैंने गाड़ी को रोक दिया, ब्रेक ले लिया, पूरा क्लच दबा के राइट का सिग्नल दे दिया, फिर मैंने अपने राइट वाले मिरर को चेक किया कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा लिया फुल और वापस ब्रेक को रिलीज किया और हाफ क्लच छोड़ा और अपने राइट वाले मिरर को चेक करते हुए लुकिंग ग्लास को भी मैं नोटिस कर रहा हूँ, राइट वाले मिरर को भी चेक कर रहा हूँ। ये फिर मैंने राइट का धीरे धीरे और ब्रेक मेरा रिलीज है, यहाँ पे मैंने ब्रेक दबाया नहीं है, यहाँ पे ब्रेक मेरा पूरा रिलीज है, ये देखो मैंने दबाया नहीं सिर्फ पैर टच है। फिर मैंने आधा स्टीयरिंग सीधा किया और वापस फिर ये फुल स्टीयरिंग। यू टर्न करने के बाद गाड़ी हमारी लेफ्ट में रहनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं राइट जाके फिर लेफ्ट आते हैं तो पीछे का जो ट्रैफिक वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो गाड़ी भिड़ा सकता है आपकी गाड़ी में। तो हमेशा एक चीज का ध्यान देना, जब आप यू टर्न करते हो तो यू टर्न करने के बाद राइट की जगह लेफ्ट में ही आना क्योंकि हमारी साइड तो लेफ्ट है ना, ताकि पीछे से जो राइट साइड से तेजी से आ रहा है सिंगल रोड पे वो आसानी से आपके बगल से निकल जाए राइट साइड से, अगर आप राइट जाओगे तो पीछे वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अभी मैंने राइट का सिग्नल ले दिया और गाड़ी को वापस रोक लिया, यहाँ पे पूरा क्लच लेके देन ब्रेक लेके। अब मैं राइट वाले अपने मिरर को चेक कर रहा हूँ, मेरे साथ राइट साइड में काफी सारी गाड़ियां आ रही है, लुकिंग ग्लास को भी मैं देख रहा हूँ होंडा इमेज आ रही है। फिर मैंने राइट का सिग्नल दिया और स्टीयरिंग को पूरा राइट घुमा दिया 90 डिग्री से, वापस गाड़ी मेरी फर्स्ट गियर में ही है, ब्रेक को रिलीज किया, धीरे से क्लच छोड़ा, गाड़ियां आ रही, हाफ क्लच, फुल क्लच की जरूरत नहीं, अगर आप फुल क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी, सिर्फ हाफ क्लच पे जाना है। धीरे धीरे मैंने हॉर्न दिया, गाड़ी बगल से आ रही काफी सारी और धीरे धीरे मैं इसको क्लच को रिलीज कर रहा हूँ और भी गाड़ी आ रही है, वैगनार वाले ने रोक लिया यूपी 80। अब मेरी गाड़ी पूरी तरीके से यू टर्न हो गई है, देख रहे हैं। फिर मैंने वापस स्टीयरिंग को सीधा कर दिया क्योंकि मेरे बगल से भी कार आ रही थी, देख रहे हैं, अगर मैं राइट जाता तो वो टकरा जाता, जो सोनेट वाला निकला है किया सोनेट वाला वो टकरा जाता। मैंने अपनी गाड़ी को यू टर्न करने के बाद वापस ही लेफ्ट में रखा है ना कि राइट, और ये फर्स्ट गियर में मैं यू टर्न कर रहा हूँ, सेकंड गियर में यू टर्न नहीं किया जाता। सेकंड गियर में अगर आप यू टर्न करोगे तो एक्सेलेरेटर लेना पड़ेगा आपको और उसके साथ क्लच के साथ हल्का एक्सेलेटर लेना पड़ेगा जिसकी वजह से फिर स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तरीका था दोस्तों कार को यू टर्न करने का। अभी मैंने पूरा क्लच लेके और धीरे से ब्रेक ले लिया, ये पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक ले लिया, अब स्टीयरिंग मेरा एकदम 3/9 पे क्लॉक टाइम एकदम सीधा पहिया है। अब मैंने वापस न्यूट्रल कर दिया गियर को और हैंडब्रेक डाल दिया ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्लच को फ्री कर दिया, राइट वाले पैर को भी फ्री कर दिया, ये दोनों चीज मैंने अब फ्री कर दिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ इंजन गाड़ी का ऑन है और अब मैं क्लच और ब्रेक को प्रॉपर रिलीज कर सकता हूँ और वापस मैंने इंजन को ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों
मैंने जो आज आपको कार को यूटर्न करने का तरीका बताया, कार के पैटर्न को, स्टीयरिंग के कमांड को, कि स्टीयरिंग को कैसे लेफ्ट और राइट आप टर्न करेंगे तो कैसे उसका जजमेंट आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।